हेलो शॉपर्स, वेलकम टू टेक शॉपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में, बट उससे पहले आप सबको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टेक शॉपर की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे, अपकमिंग एंड प्रेजेंट सेल के कुछ नए अपडेट्स आपको बताने की कोशिश करेंगे फ्लिपकार्ट अमेजोन की। साथ ही में एक लेटेस्ट Q&A सेशन होगा, जो भी आप लोगों ने कमेंट्स किए थे, जो भी लेटेस्ट कमेंट्स थे, उन सबके जो है आंसर डिटेल में आज इस वीडियो में दिए गए हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है किसी प्रोडक्ट सर्विस को लेके, किसी भी चीज़ को लेके आपके मन में शंका हो, तो नीचे जो कमेंट बॉक्स में अपना जो है कोई भी डाउट जो है आप डिटेल में लिखें, हम जो है नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आपका जो है क्वेश्चन Q&A में लिया जाएगा, जिससे आपके साथ साथ सबकी हेल्प भी हो जाती है। आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर देना, और हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना फॉर फ्रेश अपडेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो अमेजोन पे आपको जो है कुछ ना कुछ ऐसी ही सेल देखने को मिल रही है, लाइक कार्ड ऑफर वगैरह की। बाकी जो है फोन्स तो आपको नॉर्मल प्राइस पे देखने को मिल रहे हैं। फ्लिपकार्ट पे भी आपको विंटर फेस्ट देखने को मिल रही है। तो जो भी लोग कार्ड ऑफर के साथ कुछ लेना चाहते हैं, तो वो लोग इन सेल्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मोबाइल मुनाजा सेल की। ये एक फ्लिपकार्ट की सेल है जो कि स्मार्टफोन सेंट्रिक है। ये आपको मंथ के मतलब 25 दिसंबर आज जैसे हो गई है, एक दो दिन में इसके बैनर्स शायद देखने को मिल जाए फ्लिपकार्ट पे। अगर देखने को मिलते हैं तो आपको 4 से 5 बढ़िया स्मार्टफोन की डील्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि आपको कार्ड ऑफर भी देखने को मिलेगा, नो कॉस्ट TMI एक्सचेंज ऑफर, तो सारे टाइप के ऑफर्स, प्लस आपको जो है ये कह सकते हो कि स्मार्टफोन पे बढ़िया डील्स जो है देखने को मिल सकती है। सारे डिस्कस करेंगे जैसे ही सेल आती है। अब बात कर लेते हैं फैब फोन फेस्ट की। तो ये भी एक स्मार्टफोन सेल है जो कि अमेजोन की तरफ से आती है। ये भी आपको देखने को मिल सकती है बहुत ही जल्दी। अभी तक ये नहीं आई है, तो हो सकता है कि मंथ के लास्ट में, लास्ट के 3-4 दिन जो है ये सेल्स चले, और आपके जो है काफ़ी पैसे ये बचा सकती है अगर आप कोई स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हो। अब बात कर लेते हैं कुछ एक बड़ी सेल्स के बारे में जो कि आपको नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेंगी। देखो बहुत सारी सेल्स आती जाती रहती है, बट जो ख़रीदने लायक होती है ना, वो कुछ ही सेल्स होती हैं। लाइक जहाँ पे आपको लगभग मैक्सिमम जो है प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट्स हो, सारी कैटेगरीज कवर्ड हो जाएं। तो अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये क्या बिग सेविंग डेज है, या फिर अमेजोन की कोई बड़ी सेल आ रही है, तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर रिपब्लिक डे सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फ्लिपकार्ट की बात कर ले, तो ये सेल आपको 15 जनवरी के बाद देखने को मिलेगी। अमेजोन का भी सेम ही हाल है, वो भी आपको 15 जनवरी के बाद ही ये सेल देखने को मिल जाएगी। इन सेल्स में क्या होगा कि आपको सारी ही कैटेगरीज पे डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे, चाहे आपने लैपटॉप लेना है, चाहे आपने TV लेना है, चाहे आपने स्मार्टफोन लेना है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट लेना है, कोई भी तरीके का, आप ये कह सकते हो कि होम डिकोर का सामान लेना है, चाहे आपको फैशन आइटम्स लेनी है, सब कुछ पे आपको जो है डिस्काउंट देखने को मिलेगा। होपफुली यहाँ पे होप करते हैं कि आपको SBI के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों पे डिस्काउंट देखने को मिले, कोई ना कोई एक सेल में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको डेबिट कार्ड पे भी बहुत सारे डिस्काउंट्स हो सकते हैं, लाइक आपको HDFC के डेबिट कार्ड, ICICI बैंक के डेबिट कार्ड, कुछ ऐसे कार्ड्स आपको जो है देखने को मिल सकते हैं इन सेल्स में। तो यहाँ पे होगी आपकी बड़ी सेविंग। तो जो भी लोग यहाँ पे बड़ा कुछ लेना चाहते हैं, मोटे आइटम कोई लेना चाहते हैं और बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा ये कह सकते हो मौका बन सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं Q&A सेशन की। जो भी आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, उन सब के डिटेल में आंसर जो है करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट क्वेश्चन जो नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर सेल। देखो ब्लूटूथ स्पीकर बहुत सारे लोग जो है परचेज करते हैं आज के टाइम पे, और ये आपको जो है अभी फ़िलहाल के लिए दिसंबर में तो कोई सेल नहीं आने वाली। अगर हम बात कर लेते हैं जनवरी की, तो बहुत सारी सेल्स आपको देखने को मिलेगी, बट जो रिपब्लिक डे सेल होगी वो वन ऑफ द फेवरेट होगी अगर आप यहाँ पर अच्छे प्राइस पर लेना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वन प्लस का वेयरलेस Z2 नेकबैंड का प्राइस। तो देखो इस पर आपको 10% तक का डिस्काउंट प्राइस कट देखने को मिल सकता है, और बाकी आप ये कह सकते हो अगर कार्ड ऑफर लगाना है तो आपको एक लिमिट तक, यानी 5,000 तक शॉपिंग करनी पड़ेगी, तो इस पर कार्ड ऑफर भी लग जाएगा। तो अगर आप ये परचेस करना चाहते हो तो नेक्स्ट सेल्स में आप परचेस कर सकते हो, एंड रिपब्लिक डे सेल तक आप रुकना चाहते हो तो वहाँ पर बढ़िया प्राइस देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मुझे फायर TV स्टिक लेनी है अमेजोन पे, कब लूँ? तो देखो फायर TV स्टिक पे हो सकता है कि आपको इसी मंथ में कुछ सेल्स देखने को मिल जाएं, लास्ट ऑफ द मंथ में, और अगर नहीं देखने को मिलती तो आप जो है जनवरी में रिपब्लिक डे सेल पे बढ़िया आपको ऑफर देखने को मिल जाएंगे। ये आपको एक्सक्लूसिवली अमेजोन पे ही देखने को मिलेगी, तो अमेजोन पे आप जो है थोड़ा ट्रैकिंग करें। When will Infinix GT10 Pro will be available for sale? तो देखो Infinix के फ़ोन्स आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट मैं पर्सनली बोलूँ तो इसका जो UI है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा।
रैम मैनेजमेंट अच्छी नहीं है और भी बहुत सारे जो है इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो आप जो है इसके बजाय आप कोई और ब्रांच के साथ जा सकते हो, आपके पास दुनिया भर के ब्रांच अवेलेबल है और अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको जो है 20,000 के अराउंड जो है दे देते हैं, तो आप उनके साथ जा सकते हो। बाकी देखो नीचे एक यूज़र ने भी यानी एक सब्सक्राइबर ने भी नीचे लिखा हुआ है कि वो IQ न्यू 7 ले लें आप। तो देखो IQ भी ले सकते हो, चाहे कोई और प्रोडक्ट भी ले सकते हो यहाँ पे, चाहे रियलमी का ले लो, चाहे आप वन प्लस कर लो, सैमसंग के साथ जा सकते हो। बट इन्फिनिक्स के साथ यही प्रॉब्लम है कि अगर आप बहुत महंगा फ़ोन लेना चाहते हो सकता है कि आपको इतना वर्थ ना लगे, आप बाद में पछताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लेनोवो आइडिया पैड गेमिंग 3 प्राइस ड्रॉप इन अमेज़ॉन। तो डेफिनेटली आपको इस पर प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। लैपटॉप वाले मेरे जितने भी भाई हैं वो थोड़ा सा वेट करें, आपको जो है नेक्स्ट मंथ में काफ़ी बढ़िया जो है डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे, कार्ड ऑफर भी देखने को मिल जाएगा, एक तो थोड़ा प्राइस कट भी देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा आपको जो है बेस्ट डील्स भी देखने को मिलेंगी। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है जस्ट, और आपको जो है काफ़ी बढ़िया जो है ये कह सकते हो कि ऑफर्स वगैरह देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या मोटो का G54 के लिए रिपब्लिक डे सेल के लिए लुकना चाहिए, डिस्काउंट मिल सकता है, प्लीज़ रिप्लाई। डेफिनेटली आपको डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। देखो अभी देखो इस मंथ के लास्ट में अगर मोबाइल बनाना सेल आती है तो आप उसमें एक बार चेक करना, अगर तो सेटिस्फाइंग नहीं लगता मैं आपको खुद भी इन्फॉर्म करूंगा कि ये जो भी प्राइस आपको बताए जा रहे हैं प्राइस कट है भी है कि नहीं है, और आपको जो डिस्काउंट लग गए मतलब जो प्राइस मिल रहा है वो वर्थी है कि नहीं, बाकी नेक्स्ट सेल्स में आप जो है ले सकते हो। रिपब्लिक डे सेल तक रुकोगे तो बढ़िया डिस्काउंट देखने को मिलेगा। iPhone 14 प्राइस इन रिपब्लिक डे सेल, देखो iPhone 14 अभी आज के टाइम पे देखो तो 58,000 का देखने को मिल रहा है, रिपब्लिक डे सेल पे ये 52,000 तक आ सकता है या उससे भी नीचे 50,000 के राउंड आपको ये मिल सकता है आफ्टर ऑल डिस्काउंट। बट मेक श्योर करना कि ये स्टार्टिंग के एक दो दिन के लिए ही होगा, बाद में इसकी प्राइसिंग बढ़ा दी जाती है। इनफैक्ट जो उसी दिन ही यानी सेल अभी स्टार्ट हुई है, 2-4 घंटे के अंदर आपको इसकी प्राइस बढ़ती हुई देखने को मिलेगी क्योंकि इसकी डिमांड रहती है। देखो आईफोन हो चाहे आईफोन 13 की बात कर ले, 14 की बात कर ले, अभी जो क्लोज टू लेटेस्ट तो यही फ़ोन्स है। 15 जो नहीं लेना चाहते और अपना पैसा बचाना चाहते हैं वो आईफोन 14 डेफिनेटली परचेज करेंगे, तो आप इसको देख सकते हो। आई एम वेटिंग फॉर 2024 सेल, तो डेफिनेटली आपको जो है सारी लिस्ट बताते रहते हैं हम। सर रिपब्लिक डे सेल में लैपटॉप का प्राइस कम होंगे, डेफिनेटली होंगे, रिपब्लिक डे सेल में आपको जो है लैपटॉप के प्राइस बढ़िया देखने को मिलेंगे, प्राइस ड्रॉप तो होंगे ही, प्लस आपको जो है कार्ड का ऑफर भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास कार्ड नहीं भी होगा बाई चांस, कोई ऐसा बैंक पूछ लिया गया जो आपके पास है ही नहीं, तो आप जो है अपने पूछ सकते हो किसी से, अरेंज कर सकते हो अपने फ्रेंड से फैमिली से किसी से एक बार पूछ सकते हो, अगर किसी के पास मिल जाए यानी कॉमन कार्ड होगा तो मिल ही जाएगा, और अगर कुछ अनकॉमन वैसे तो नहीं आएगा क्योंकि रिपब्लिक डे सेल एक बड़ी सेल है, आपको एटलीस्ट आपको SBI का क्रेडिट कार्ड तो देखने को मिलेगा ही, तो डेबिट कार्ड भी हो सकता है, प्लस ICICI बैंक HDFC बैंक ये कुछ एक कार्ड्स हो सकते हैं जो कि आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, तो ये तो आपको लगभग मिल जाएंगे किसी न किसी के पास, तो आप अरेंज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, IQ Neo 7 पर डिस्काउंट आएगा, तो डेफिनेटली इस पर भी डिस्काउंट आएगा, IQ के जितने भी फ़ोन आने वाले टाइम में आपको बढ़िया डिस्काउंट पर देखने को मिलने वाले हैं। भाई साहब प्राइस पहले वाला ही है, तो डेफिनेटली प्राइस तो वही है, जो अभी सेल चल रही है उनमें प्राइस कट आपको नहीं देखने को मिल रहा। Realme 11 Pro अगर कोई भी लेना चाहता है तो वो भी अभी मोबाइल ब्राउज़र सेल आएगी उसमें एक बार चेकआउट करें, तो अगर तो प्राइस कट नहीं देखने को मिलता तो आप जो है नेक्स्ट मंथ तक चले जाएं, नेक्स्ट मंथ में आपको जो है बढ़िया डिस्काउंट तो देखने को मिलेंगे ही, कुछ और सेल्स भी आपको देखने को मिलेंगी जिनकी बहुत ही जल्दी एक वीडियो आएगी जिसमें आपको सारी लिस्ट जनवरी की सेल्स की होंगी, तो उनके लिए आप जो है हमें सब्सक्राइब करके रख सकते हो, आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, iPad Air 5 की सेल कब तक आएगी, एंड अकॉर्डिंग टू यू गुड प्राइस फॉर इट, वी वॉन्ट टू बाय इट नाउ। देखो मेरे हिसाब से iPads वगैरह जिसने भी लेना है वो रिपब्लिक डे सेल तक वेट करे, या फिर देखो रिपब्लिक डे सेल होगी या बिग सेवन डेज होगी, अब दोनों इकट्ठी भी आ सकती है, दोनों अलग भी आ सकती है, अब ये डिपेंड करेगा फ्लिपकार्ट पे। बाकी हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये मतलब इस बार ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या ये एक ही सेल लेके आ जाएंगे या फिर अलग अलग लेके आएंगे, तो आपके लिए वहाँ पे मौके बन सकते हैं अच्छे डिस्काउंट लेने के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मुझे COD पे iPhone 14 प्लस लेना है, लीव एनी एडवाइस प्लीज़। तो देखो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा, डेफिनेटली बिल्कुल मत लो COD पे, आपने लेना है तो कार्ड ऑफर लगा के लो, कार्ड से पेमेंट करके लो, आपकी कार्ड पेमेंट बिल्कुल सेफ है, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका फ्रॉड हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, अच्छे से पेमेंट करो, पहले तो अच्छे से सीख के अच्छे से पेमेंट करना,
एंड आप कार्ड ऑफर के साथ आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रियल मी बर्ड्स वायरलेस 3 पे भी डिस्काउंट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा रिपब्लिक डे सेल तक, वेट जरूर से करें। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।